यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 17वां अध्याय पहला पद लिखा हुआ है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राम कितने वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मैं क्या हूं? सर्वशक्तिमान। कहिए सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मेरे अजीज लोगों जो यहां बैठे हुए हो, आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हो वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। अंग्रेजी में कहा जाता है ही इज अ ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी गॉड। नॉट ओनली ही इज माइटी गॉड बट ही इज ऑलमाइटी। माइटी होता है कुछ चीजों में, माइटी सर्टेन थिंग्स, इन सर्टेन थिंग्स ही इज माइटी बट ही इज नॉट माइटी इन ऑल थिंग्स। हम सब चीज में नहीं, लेकिन हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि हमारा खुदा जब हम किसी बात के लिए विचार करें, कुछ भी सोचे, कुछ भी ऊंच नीच, कुछ भी यहां की सोचो, बहराइच की सोचो, दिल्ली की सोचो, जापान की सोचो, इंग्लैंड की सोचो, अमेरिका की सोचो, जमीन की सोचो, जमीन के नीचे की सोचो, पहाड़ों की सोचो, नदी और नालों की सोचो, जंगल की सोचो, आसमान की सोचो, खुदा बाप जिसकी हम उपासना करते हैं, ही इज माइटी गॉड एज वेल ऑल माइटी गॉड। वो ऑल माइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान। किसी भी चीज में, किसी भी चीज में जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करें, यहां मैं कमजोर हूं, तब कहिएगा आए खुदा तू सर्वशक्तिमान है। जब किसी जगह पे खड़े हो और आप निर्बलता महसूस कर रहे हो, आप निर्धनता महसूस कर रहे हो और आप अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे हो, अपने हाथ को उठाइएगा, तब झिझकिएगा नहीं, अपने हाथ को उठाकर कहिएगा माय गॉड इज ऑलमाइटी गॉड, माय गॉड इज ऑलमाइटी गॉड। फिर क्या लिखा है, मेरी उपस्थित में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थित में चल, क्या मतलब है मेरी उपस्थित में चल? हम दुनिया में कई बार उसकी उपस्थित को तज देते हैं, हटा देते हैं। कई मौके ऐसे आते होंगे, टीवी देखते समय, मोबाइल देखते समय, रेस्टोरेंट में बैठे हुए समय, गाड़ी चलाते समय, अपने कार्यों के समय, महिलाएं अपने घर में कार्यों को करते समय, मर्द अपने ऑफिस में कार्यों को करते समय, अपनी गुफ्तगू के अंदर जो वार्तालाप होती उस समय, गौर कीजिएगा, ऐसे नाजुक लम्हों के अंदर हमने अपने खुदा को त्याग दिया, छोड़ दिया। खुदा बाप थोड़ी देर के लिए किनारे बैठो, इस समय हम टीवी देख रहे हैं। खुदा बाप इस समय थोड़ी देर के लिए किनारे बैठो, इस समय हम मोबाइल देख रहे हैं। खुदा बाप इस समय थोड़ी देर के लिए किनारे बैठो, हम पारिवारिक जश्न मना रहे हैं, ये हमारे परिवार का जश्न है। अगर हम इस परिवार के जश्न में ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारा हमारा आनंद कैसे पूरा होगा, हमारा आनंद कैसे पूरा होगा। अब्राम से वो अब्राहम बनाना चाहता है, एग्जॉल्टेड फादर से फादर ऑफ द नेशंस बनाना चाहता है, फादर ऑफ मल्टीट्यूड बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए कुछ कह रहा है, कह रहा है मेरी उपस्थित में चल, मेरी उपस्थित में चल। भाई एक दिन में तू नहीं बनेगा, तू ये नहीं कि मैंने आज तुझसे बात करी और कल तू बन गया। ये पूरा 15, 16, 17, 18 अध्याय
सारे पढ़ा लिएगा। तो एक दिन में नहीं हुआ, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब अब्राहम ने उस बात का पालन किया और कहीं गलतियां हुई, फिर उसको सुधारा गया, फिर खुदा ने बातचीत करी, फिर आगे चला, फिर दुरुस्त किया गया, फिर गलती हुई, फिर सुधारा, फिर आगे बातचीत चली। खुदा कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम गलती नहीं करेंगे, हम तो गलतियों के भंडार हैं, हम तो गलती ही गलती करते हैं। खुदा कह रहा है, बेटा कोई बात नहीं, मेरी उपस्थिति में चलो। जब आप कलाम पढ़ोगे ना, तो वो कलाम आपसे बातचीत करेगा। आप कलाम पढ़ते रहो, कलाम बातचीत करता रहेगा। और कह रहा, खुदा मेरी उपस्थिति में चल, और एक दिन तू सिद्ध हो जाएगा, और तब कहा जाएगा, अब्राहम मैंने तेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। तुझे अपने बेटे को जबा करने की जरूरत नहीं है। अरे अभी कुर्बानी नहीं दी, अभी बलिदान नहीं दिया गया, अभी तो मात्र उसकी वेदी सजाई गई है और चाकू हाथ में लिया गया है। लेकिन आसमान से एक आवाज आती है, अब्राहम रुक जा, मैंने तेरे बलिदान को ग्रहण कर लिया। वाओ, कितना वंडरफुल, कितना अद्भुत। अरे लेकिन वो कह रहा, मेरी उपस्थिति में चल, चल मेरी उपस्थिति में। और बहुत सी बातें हैं जो अब्राहम के ताल्लुक से कही जा सकती हैं, लेकिन आगे चलते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय और उसके तीसरे पद में यहां लिखा है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे। आपका खुदा कैसा है? सर्वशक्तिमान। अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सब कुछ करूंगा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। और यहां पर अब्राहम का बेटा इजहाक, अब्राहम का बेटा इजहाक, और इजहाक का मतलब होता है हंसने वाला। तभी हम लोग कहते हैं, मां बाप लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी हरकतों को दुरुस्त रखो, आप अपनी हरकतों को दुरुस्त रखो, क्योंकि आपसे आपका बच्चा या आपकी औलादें बहुत कुछ सीखेंगी। ध्यान देकर सुनना, आपकी औलादें आपसे बहुत कुछ सीखेंगी। मीरास में बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। आप कहोगे मेरा बच्चा चोर, गौर करो, कहीं तुम तो चोर नहीं थे पहले। मेरा बच्चा झूठ बहुत बोलता, मां बाप आगे कहते झूठ बहुत बोलता है। यार झूठ तो तुम भी बोलते थे, वही तो मिला है मीरास में। मेरा बच्चा जिनाकार, तुम भी जिनाकार थे। प्रमाणित करूं इसे? प्रमाणित करूंगा। इजहाक का मतलब है हंसने वाला। जब खुदा ने, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत करी कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, और अब्राहम कहता है, अब्राहम से बात हुई, कह ले मेरे पास तो कोई है नहीं, मेरे पास तो औलाद नहीं है, ये मेरे घर का एक दास है, ये मेरे घर का मालिक बन जाएगा। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुझसे एक औलाद बनाऊ पैदा करूंगा। खैर, खुदा ने उसको इस्माइल बख्शा। क्या बख्शा? इस्माइल बख्शा। बाद में जब खुदा उससे बातचीत करता है, तो उसने कहा, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तुझसे औलाद उत्पन्न करूंगा। उसने कहा, इस्माइल बचा रहे तेरी नजर में, वही बहुत है, वही बहुत है। उसने कहा, नहीं, इस्माइल के लिए मैंने तेरी विनती सुन ली है, उससे भी 12 जातियां पैदा करूंगा, लेकिन मैं तुझसे जातियां बनाऊंगा,
तुझसे औलाद उत्पन्न करूंगा। कहने लगा, मैं तो 99 साल का 100 साल का हो रहा हूं, मुझसे कोई औलाद पैदा होगी? मेरी पत्नी इतनी बुढ़िया हो गई है, यह हो नहीं सकता। और लिखा है, परमेश्वर वचन बढ़वाऊंगा नहीं, लिखा है कि अब्राम हंसा। क्या कारण लिखा है? और अब्राम हंसा। और उसकी दोबारा बात जब अब्राम से खुदा अर्थात सर्वशक्तिमान बातचीत कर रहा है, और ये बात सारा सुन रही थी, अपनी तंबू के अंदर सारा सोच रही थी, तो क्या लिखा है? और सारा हंसी, सारा हंसी। तो जब अब्राम हंसा और सारा हंसी, तो इजहाक क्यों नहीं हंसा? तो इजहाक भी हंसा, उसका नाम रखा गया हंसने वाला, हंसने वाला। अब जैसा इसे समझ लीजिए, कोई अच्छे में हंसता है, कोई मजाक में हंसता है, लेकिन वो हंसने वाला है। यहां पे लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कि और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे इजहाक अपने औलाद को अर्थात याकूब को बरकत दे रहा है। अब्राहम का बेटा इजहाक और इजहाक का बेटा याकूब, तो इजहाक याकूब को आशीष दे रहा है और उससे यह कह रहा है, बता रहा है कि बेटा अब्राहम जो मेरा बाप था उसका खुदा सर्वशक्तिमान था और मैंने भी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ग्रहण किया, मैं उस पर विश्वास करता हूं और मैं तुझे तुझसे कह रहा हूं, तुझे आशीष दे रहा हूं कि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने अब्राहम को आशीष दी, जिसने इजहाक को आशीष दी और वो इस देश में तुझको लेकर के आया, तुझे भी आशीष दे, तुझे भी आशीष दे। और आगे लिखा हुआ है और फुला फला कर, ओहो, लिखा फुला कर फला कर बढ़ाए और तू राज राज की मंडली का मूल हो जाए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राज राज की मंडली। और याकूब से पता होगा आपको कितने गोत्र पैदा हुए, 12, बाद में 13 हो गए, 12 गोत्र पैदा हुए। तो लिखा हुआ है और मुझे तुझे, क्या लिखा है, राज राज की मंडली का मूल ठहराए। ये अपने मामा के घर जा रहा है क्योंकि इजहाक कह रहा है बेटा जिस कौम में तू रहता है हम लोग के बीच में, कनानियों के बीच में, इनकी किसी लड़की को ब्याह ना लेना, तू ऐसा कर तो अपने मामा के घर जा, उनकी बेटियों में से 2 बेटी हैं उसमें से एक बेटी को ब्याह लाना। तो ये वाली आशीष दे रहा है और उससे ये कह रहा है अगर तू ऐसा करे, अगर तू ऐसी बात माने तो याद रखना अब्राहम का खुदा इजहाक का खुदा है और इजहाक का खुदा तेरा खुदा भी होगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा और तू राज राज की मंडली का क्या होगा, मूल होगा। आगे चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय के 11वें पद में, 35 अध्याय और 11वां पद, यहां पे लिखा है फिर परमेश्वर ने उससे कहा। अब ये अपनी बीबी को लेकर आ रहा है, याकूब अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा है ऊंट पर सवार होके। फिर परमेश्वर ने उससे कहा मिल करके, मैं सर्वशक्तिमान। फिर वो कह रहा है, ये लोग असल में बार बार भूल जाते हैं, हमारी तरह, हम लोग की तरह, हम लोग भी भूल जाते हैं हमारा खुदा कौन का, दो 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 चार मिनट सोचते ही रह जाएं खुदा का नाम क्या है। तो उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और आगे लिखा है तू फले फूले और बढ़े। और जब जा रहा था तब क्या कहा था,
और वो फुला फला कर बढ़ाए, और लौटते समय कह रहा है तू फूले फले और बढ़े, और फिर तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, तुझसे एक जाति वरन जातियों की मंडली भी उत्पन्न होगी। और पहले क्या कहा था 28:3 में, तू राज राज की मंडली का मूल होगा। खुदा बाप को हो सकता है याकूब थोड़े समय के लिए भूल गया हो, लेकिन खुदा नहीं भूला, बेटा अगर तू मेरे पीछे चलता रहेगा तो मैं अपने वायदे को याद रखता हूं, मैंने जो अब्राहम से वाचा की है मैं पुश दर पुश उसको पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। और एक और वायदा अब्राहम से खुदा ने किया था, उसने कहा तेरे कुल में तेरे वंशजों में अधिकारियों की कमी नहीं होगी, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, किंग्स राजा उत्पन्न होंगे। आपका परमेश्वर क्या है? आपका परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान पर, कहिए सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने अब्राहम से कहा तेरे कुल में राजा उत्पन्न होंगे, उनकी गिनती नहीं गिन पाएगा। इसहाक से वही बात कही और याकूब से वही बात कही, और याकूब जब इज़राइल बनने जा रहा है, अब याकूब थोड़ी देर में इज़राइल बन जाएगा, तो उससे कहा कि तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। क्या लिखा है? तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। खुदा बाप नहीं बोलता। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदा नहीं बोलता। मेरी उपस्थित में चल और सिद्ध होता चला जा। अब आते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ के मूसा के समय में आ जाते हैं। मूसा के समय में निर्गमन, जब ये गुलामी में से निकल के आ रहे हैं, निर्गमन 6:3, निर्गमन 6:3, यहां पर क्या कह रहा है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। इब्राहिम इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। अभी तक वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से दर्शन देता था, लेकिन यहोवा के नाम से प्रकट नहीं हुआ। उसका नाम यहोवा है, यहोवा के नाम से अब तक जाना नहीं गया था, लेकिन अब बता रहा है कि अगर यहोवा है, मेरा नाम यहोवा है, तो मैं कौन हूं? सर्वशक्तिमान, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। 3:13 पढ़ेंगे, 13, 14, 15, और यहां पे लिखा है मूसा ने परमेश्वर से कहा। अब खुदा अपने लोगों को निकाल रहा है और मूसा से कहा तू इनको निकाल ले चल। तो मूसा जब आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे ये कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे ये पूछे कि उसका नाम क्या है, उसने कहा था ना इसराइलियों को निकाल के ले जा ताकि 3 दिन के मार्ग पर जाकर वो जंगल में मेरे लिए बलिदान चढ़ाएं, तो लिखा जब वो पूछे उसका नाम क्या है तब मैं उनको क्या बताऊं। अब जो आ रहा हूं, मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, हम लोग इस दुनिया में रहते हुए कई बार इसी बात से बहुत परेशान हो जाते हैं, खुदा बाप पता नहीं तुम ये वाला काम करोगे कि नहीं करोगे, ये वाला काम होगा कि नहीं होगा, और ये होगा तो कैसे होगा, ये तो ऐसा नहीं होता। तर्क वितर्क करके हम उन चीजों को अनसुलझा कर देते, सुलझ नहीं पाती चीजें। तो मूसा भी खुदा से इसी किस्म का आर्ग्यूमेंट कर रहा,
फिरौन सुन नहीं रहा, लोग मेरी सुन नहीं रहे, लोग मुझे मार के भगा रहे, तुम कह रहे हो इसराइलियों को ले जाओ। तो मैं जाकर जब उनसे कहूंगा, उनके पुरनिये मुझसे कहेंगे तुम हो कौन, काहे तुम मुझे हमको बरगला रहे हो, तो मैं उनसे क्या कहूं। तो आपको देखिए, उसने खुदा ने एक जवाब दिया, लिखा हुआ है परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। मेरा नाम क्या है? मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब क्या है? मैं जो हूं सो हूं तो क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है, हैं? मैं जो हूं सो हूं, इसका मतलब यह है, अगर आपकी तार्किक बुद्धि अगर कह रही है कि अभी दिन के 12:10 बजे हैं, दिन के 12:10 बजे हैं, तब खुदा कहेगा बेटा 12:10 दिन के नहीं बजे हैं, ये तो रात के बजे हैं। आप कहोगे ये कैसी बात हुई, रात कहां से आ गई, ये तो नहीं होता। तो खुदा कहता मैं जो हूं सो हूं, मैं जैसा करूंगा बात तो वैसे ही होगी। आहाज की घड़ी धूप घड़ी 10 आगे बढ़ गई है, मैं जो हूं सो हूं, मैं उसको लौटा देता हूं। तेरी मौत की घड़ी आ चुकी है, अब तू बचेगा नहीं बल्कि मर जाएगा, तो खुदा कह रहा है मैं तेरे 15 बढ़ाए देता हूं, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। लिखा है मुझे रोक कर कौन पूछ सकता है कि तू ऐसा। कभी समझ में आता है आपको अपनी बुद्धि समझ में आएगा? मैं मेरी समझ में तो नहीं आता कि वो खुदा ऐसा है जो पहाड़ को तराजू में तौलता है, पहाड़ को काय में तौलता है। समझ में आ रहा बुद्धि बुद्धि से कितने किलो निकला या कितने टन निकला? और सच बता रहा हूं, खुदा बाप से पूछिएगा, खुदा बाप बताएगा इतने टन है, क्योंकि मैं जो हूं सो। वो समुंदर के पानी को चुल्लू में नापता है। समझ में नहीं आता भैया कैसे नापता है। मैं जो हूं सो हूं, आपका खुदा कौन है? मैं जो हूं सो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो यहोवा है, लेकिन आज के समय में मैं जो हूं सो हूं। क्योंकि ना तुमको सर्वशक्तिमान समझ में आ रहा है, ना यहोवा समझ में आ रहा है, लेकिन आज मैं तुमको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लो, मैं जो हूं सो हूं। जब सारे लोग निराश हैं, जेल के दरवाजे खुले हुए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, कह रहा है मैं जो हूं सो हूं। मार्था और मरियम कहने लगी उस पत्थर को मत हटाओ, उसको मरे हुए 4 हो गए, अब उसमें तो दुर्गंध आ रही होगी। कहने बेवकूफ किसी बात मत करो, पत्थर को हटाओ, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। आपके घर में कंगाली हो, बदहाली हो, बुरे हालात हो, सब चीजें विपरीत हो, आप जिस खुदा की उपासना करते हो अगर उसके साथ साथ चलोगे तो एक दिन सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो जो है सो है। जिस्मानी बुद्धि समझने से इनकार कर देती है, ये लिमिटेशंस हैं इसके बुद्धि के अंदर रखे हुए, जितने भी लाख मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ होंगे हमें नहीं मालूम, इनकार कर देती है। लेकिन वो खुदा है जिसने इसी एक इंसान के नहीं करोड़ों अरबों इंसान के दिमागों को बनाया है, उनकी शक्लों को बनाया है, और उनके लिए वो कहता है मैं तुम्हारी शक्लों को अपनी हथेली में खोद लेता हूं, मैं तुम्हारी शक्लों को। ये बात समझ में आती है? यही बात समझ में नहीं आती? समझ में आती है?
नहीं समझ में आती तो कहो मैं जो हूं सो हूं। कुछ ना समझ में आए, रात में हार्ट अटैक पड़ गया हो, नहीं समझ में आ रहा अब तो मेरा घर जंगल में है कैसे जाऊंगा, गाड़ी है नहीं, मैं जो हूं सो हूं, तुम्हारे हार्ट अटैक को ठीक करने की क्षमता मेरे पास है। कैंसर हो गया, मुंह से खून गिर रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा अब तो बार बार दिमाग यही कहता मर जाओगे मर जाओगे। मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। घर बर्बाद हो गया, बेटी भाग गई, बेटा भाग गया, छोड़ दिया आपको, निराश है। खुदा के पास जाइए, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि मैं जो हूं सो हूं, सब कुछ कर दूंगा, मैं सब करता हूं। नौकरी छूट गई, नौकरी नहीं लग रही, बिजनेस फेल है, किसके पास जाओगे, कौन से रिश्तेदार के पास जाकर भीख मांगोगे? एक रिश्तेदार है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, तुम सबका बाप, जो आसमान से हर क्षण हरेक को देखता है, मैं जो हूं सो हूं। आई एम वो आई एम दैट आई एम। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं। क्या कह रहा है? इसराइलियों से जाकर कहना, जिसका नाम मैं हूं। जब आप कभी ऐसे हालात में फंसिएगा, जब ऐसी परिस्थितियों में होइएगा, ऐसी दुर्दशा की हालत में होइएगा, जब दुनिया आपको पहचानने से इनकार कर दे, तब कहिएगा मेरे साथ मैं हूं है। यीशु मसीह ने कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, टाल दे। उसने कहा नहीं, ये पिए बगैर टलता नहीं है, ये पिए बगैर टलता नहीं है, क्योंकि ये प्लान मेरा बनाया हुआ है, मैं हूं। आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस प्लान, मैंने सारी चीजों को बनाया है, और मैंने तुझे कहा है जाओ बलिदान दो, मैं हूं। आपको आज मैं बता रहा हूं, आप जिस खुदा की उपासना करते हो उसका नाम है मैं हूं। आई एम दैट आई एम। मेरे नाम को मत जानो, मेरा नाम यहोवा था, मेरे नाम को ना जानो, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज मूसा, जब तू लोगों को लेके जाएगा, तो सिर्फ उनसे कहना मैं हूं ने भेजा है, मैं हूं ने भेजा है। क्योंकि अब मैं हूं जो काम करेगा ना, अब जो मैं हूं काम करेगा, दुनिया की आंखें चमचमा जाएंगी, चमक जाएंगी, देख नहीं पाओगे, दृष्टि कर नहीं पाओगे। अब जो काम खुदा करेगा उसको देख नहीं पाओगे। एक किस्सा मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे शेयर किया था, बालाम और बालाक का। और मैंने कहा था, बालाक ने जो मुआबी देश का बादशाह था, मिद्यानियों से साठगांठ करके उसने बलाम के पास कहला भेजा कि हमारे इन इसराइलियों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर, क्योंकि जो तू कहता है वो पूरी हो जाती है। और ये उसने वहां पे भेजा। आपको बताऊं, जिसकी तरफ खुदा है उसका कौन विरोधी है? तीन बार उसने भिन्न भिन्न जगहों पर वेदियों को सजाया, और बलाम ने इसराइलियों के पक्ष में भविष्यवाणी की। वो चाहता तो उसके उसके विरोध में करो भविष्यवाणी, लेकिन उसने नहीं करी। तीसरी बार का जिक्र मैं पढ़वा रहा हूं, कह रहा है गिनती की पुस्तक उसके 24वें अध्याय के 4थे पद में, और यहां पे लिखा है, बलाम बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, जरा सुनिएगा, मजा आ जाएगी आपको पढ़ के।
ईश्वर के वचनों का सुनने वाला बलाम, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला कौन? बलाम, जो दंडवत में पड़ा हुआ, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी ये वाणी है। क्या वाणी है? हे याकूब धोखा देने वाले, ए याकूब झूठ बोलने वाले, ए याकूब अपने मामा को धोखा देने वाले, हे याकूब तेरे डेरे, और हे इज़राइल जब वो इज़राइल बन गया याकूब, हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं, वे तो नालों या घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान, नाले और घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं। मेरे लोगों ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पतझड़ आ गई हो, देखने में ऐसा लग रहा है पतझड़ आ गई। बाहर निकलिएगा, पेड़ों पे ध्यान दीजिएगा। अभी मैं एक शहर गया था, लौट रहा था, पतझड़ ने ऐसा बुरा हाल कर रखा, कहीं छाई थी नहीं, सारी पत्तियां गिर गई, सारी डंडियां गिर गई। कह रहा है, फिर से देखिएगा, ध्यान देके सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। हे याकूब, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, अगर आप ईश्वर के वचनों को सुनने वाले हो जो उसके सामने दंडवत करने वाले हो, तो खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाओगे। और क्या कहेगा? तेरे डेरे हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। वो पतझड़ की जगह नहीं है, वे तो नालों व घाटियों की नाई और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष, वो ऐसे फैले हुए हैं। एक बाबा ने हमारे बाबा से कहा क्या कर रहे हो, तुमको मालूम नहीं तुम्हारे राज में क्या हो रहा है? मसीहों ने चारों तरफ मधुमक्खी तरह घेर रखा है। लोगों को समझ में आए ना आए, शैतान को समझ में आता है, शैतान को समझ में आता है क्या हो रहा है। तो वही कह रहा है कि नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं। आपको ना समझ में आ रहा हो, आपको ना दिख रहा हो, लेकिन शैतान भी देख रहा है और खुदा भी देख रहा है। और ये शख्स जो परमेश्वर की राहों पे चलता है, जिसके लिए लिखा है मेरे संग संग चल और सिद्ध होता जा, तो वो ये कह रहा है नदी की तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हैं जैसे यहोवा के लगाए हुए अगर के। अरे अब खुदा लगा रहा है असल में, यहोवा के लगाए हुए अगर के और जल के निकट के देवदारू, बड़े बड़े जल के निकट में फैले हुए, उसके डोलों से जल उमड़ता है और उसका बीच बहुतेरे जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका भाग राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ही जाएगा। परमेश्वर का राज रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। आगे लिखा है उसको मिस्र में से ईश्वर को निकाले लिए आ रहा है वो तो। अब ध्यान दीजिए आप, आपके लिए खुदा बाप क्या सेंटेंस यूज कर रहा है, क्या कह रहा है? वो तो बनेले सांड के समान बल रखता है। कमजोर लोगों आपको लिए कह रहा है वो तो बनेले, बनेले मतलब जंगली, जंगली सांड की तरह बल, बहुत बलवान होता है, कभी सामने ना पड़ जाए। बनेले सांड की तरह बल रखता है, जाति जात के लोग जो उसके द्रोही हैं उनको वो क्या खा जाएगा, उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। अभी वो दबका बैठा है,
मैंने अभी जोड़ा है, इसमें लिखा नहीं है। अभी वो कैसा बैठा है? दबका बैठा है। वो सिंह व सिंगनी की नाई छेड़ो नहीं, छेड़ो नहीं। वो सिंह और सिंगनी की नाई लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे सो आशीष पाए, और जो तुझे श्राप दे वो श्रापित हो जाए। दुनिया के लोगों, खुदा के लोगों का परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो यहोवा नाम से जाना जाता है, और उसके लिए कहा जाता, मैं जो हूं सो हूं। अगर मैं कुछ काम करने लगूं तो मुझे रोक कर कौन पूछ सकता है कि तू ऐसा? आखिर बता के खत्म करूंगा। प्रकाशित वाक्य 16:7 सात कटोरों का उंडेला जाना है, इसमें से तीसरे कटोरे के लिए लिखा है। 16:7 प्रकाशित वाक्य, आखिर में आ रहा हूं, मैं जो हूं सो वे। प्रकाशित वाक्य में, फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना कि हां हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। 14 में लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लिए, लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। चारों तरफ दुष्टात्माएं फैल रही हैं। अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस इबलीस, उस जानवर और एक और है, उसमें से 3 किस्म की दुष्ट आत्माएं निकलती हैं जिनकी सूरत मेंढक के समान है, और वो इसलिए निकलती हैं, क्या लिखा है, ताकि हर मकदोन की लड़ाई के लिए जमा की जाए। आखिरी लड़ाई हर मकदोन की लड़ाई है, और इसके लिए वो जमा कर रहा है, द बैटल ऑफ हर मकदोन। प्रकाशित वाक्य 19:15 में आखिरी पद, और जाति जाति को मारने के लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मुंह से जो सफेद घोड़े पे सवार है और सफेद वस्त्र पहने हुए है, और उसका वस्त्र लहू से भीगा हुआ है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुख से, किसके मुख से, जो सफेद घोड़े पे सवार है, सफेद वस्त्र पहने हुए है, और उसका वस्त्र लहू से धोया गया है, और उसकी जांग पर लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसके मुख से एक चोखी तलवार निकलती है, और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदरा के कुंड में दांत रौंदेगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बने रहिए खुदावन के साथ, बने रहिए खुदा को प्यार करते रहिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इतना ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी नुकसान कर नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है, मैं जो काम करूंगा उसे रोक कर कोई मुझको टोक नहीं सकता।